बेतुके समाचार में आपका स्वागत है। आपकी नरब सोभामी आपको अभी समाचार सुनाएगी। नरब नहीं, मैं नारी हूँ, तो नारी सोगामी आपको समाचार सुनाएगी। राखी माँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और ना जाने कितने बैंकों ने राखी गुलजार को बुला लिया है। वो बैंकों में बैठती हैं और कहती हैं, मेरे माल्या नीरव आएंगे, मेरे माल्या नीरव आएंगे। मंदिर का घंटा, सब बैंक्स ये कह रहे हैं, क्या हम मंदिर के घंटे हैं? जो आए वो बजा के चला जाए। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? अब चप्पलों से फूटेगा नीरव मोदी। देश भर में अब चप्पलें महंगी हो गई हैं, क्योंकि मैडम अर्जुन पाटिल अब करेंगी चप्पलों से वार, तोड़ेंगी नीरव मोदी की हड्डियां चार। नीरव मोदी तो पहला है और उसको तो मेरे सामने में चप्पल से मारूंगी उसको। राजू की माँ, पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिके। राजू की माँ का हुआ सपना पूरा, पनीर ही बेच रहे हैं सोना और हीरा व्यापारी। उनको बर्बाद करने की हो रही है तैयारी। बिजनेस करने के लिए ना लेगा कोई लोन, फिर सोना और हीरा खरीदेगा कौन? आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। रविशंकर जी की चुनौती, मिस्टर मार्क जुकरबर्ग, यू बेटर नोट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द आईटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट इफ एनी डेटा थेफ्ट ऑफ इंडियंस इज डन टू द कोल्यूजन ऑफ फेसबुक system, we have got stringent power under IT Act, we shall use it, including summoning you in India. हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने चुनौती दी है कि वो मार्क जुकरबर्ग को डेटा घोटाले में इंडिया बुलाएंगे, पर ये सुन के न जाने नीरव और मालिया क्यों हंस रहे। बैंक और यमराज की डील, हमारे सब बैंक्स ने यमराज से डील कर ली है। उन्होंने कहा है, हमारी हवा हवाई, श्रीदेवी को वापस लाओ। और ये नीरव और मालिया को टब्स में डुबा डुबा के मारो। यमराज जी ने डील सैंक्शन कर दी है। बेतु के समाचार अब समाप्त होते हैं। That's all from नारी सोगामी with रघुवा